लेट्स सी, ये कल हो गया था हमारी ये एक्सरसाइज, और व्हाट वाज द पेरेंट्स ऑफ द बॉय, ये भी हो गया था क्वेश्चन हमारा. यस सर. और उसके बाद देखिएगा, व्हाई डिड द वुमन, जी व्हाई डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस. अब जरा पहला आपने सेंटेंस इसी से लेना है, आपने जरा सवाल से सेंटेंस लें. शाबाश, क्या बनेगा? अब यहाँ पे वर्ब क्या था आपका? आस्क था, और कौन आस्क कर रहा है? द वुमन. और किसको आस्क करिए? द बॉय. द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस बिकॉज. डर्टी कौन था? क्या बना, क्या चाहती थी, क्यों उसे कहती थी? He wanted to make him presentable. He wanted to make him presentable. Presentable बनाने के लिए. और मोर ओवर क्या था वो बच्चा, क्या था? He was orphan. और वो क्या शो करना चाहती थी? He wanted to show her motherly affection. और उसे क्या करना चाहती थी? They wanted to see him a noble person. उसे एक noble person देखना चाहती थी. जी, और unless और until का इस्तेमाल हमने पढ़ा कि until इस्तेमाल करते हैं time के लिए, unless time use करते हैं condition के लिए, और इसमें negative नहीं लगाते. Wait until या unless I return? Unless I return. वेट कब तक करना आपने? मेरे आने तक. ठीक है, टाइम है, तो क्या लगाना? अंटिल लगाना. सब नेक्स्ट वाला. मेल विल गो बाय एयर बस अनलेस या अंटिल इट इज क्विकर. अनलेस होगा, क्योंकि शर्त है कि ये क्विकर हुआ तो फिर जो ना इसके जरिए से भेजना. जी नेक्स्ट वाला. Until. We might as well stop. Until you have got another thing. उसी दौरान आप तब तक ये और काम कर सकते हैं. Until. Don't start या start. Until. Start. Start होगा. Until और unless वाली clauses में कभी भी negative sentence इस्तेमाल नहीं करना. क्या लगाएंगे हम? पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है जी, ये तो था हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर्स. अच्छा, ये भी हमारा हो गया. उसने पूछा कि तुम क्यों छीनना चाहते थे, तो वो बता रहा है. व्हाई डिड द बॉय वांट टू स्नैच द पर्स. पहला आपने सेंटेंस बनाना है आपके क्वेश्चन से. आपका क्वेश्चन हमेशा इंट्रोगेटिव में वो पहले आता है. He was poor and orphan. The boy wanted to say क्या होगा? Want क्या हो जाएगा? Wanted. Past में हमने कौन सी form लगानी है? Second form. The boy wanted to snatch the purse because he was poor and orphan. जी. No one से sentence बनाना है. Orphan. Because he was poor and orphan. He had no one in his home. He had no one at his home. Yeah, he had no one. क्या होगा? In his family. जी. He had no shoes in the cold weather. क्या होगा? Cold weather. Cold weather. जी. उसके बाद है. उसके बाद क्या है जी? और इसलिए उसने स्नैच किया. तो जरा बताइएगा, इसके दरमियान रिलेशनशिप कायम करने के लिए क्या एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे? पीछे जो ना रीजन है, आगे फिर उसका क्या लिखेंगे? कौन सा एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे? So therefore, consequently, as a result,
ये सारे के सारे क्या है, हम जो है ना वो एज ए कॉन्सिक्वेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. देयरफॉर ही स्नैच द पर्स. और आगे रीजन है क्या होगा? टू गेट मनी एंड बाय. अब जरा आगे जी बुक पे आ जाएं शाबाश. नेक्स्ट वाला. द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड. और सोफे पे बराजमान थी या बैठी हुई थी. डे बेड का मतलब सोफा. और सोफे पे बैठी हुई थी. आफ्टर व्हाइल शी सेड, कुछ देर के बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी. एंड आई वॉन्टेड द थिंग्स, मुझे भी उन चीजों की ख्वाहिश होती, आई कुडंट गेट, जो मैं हासिल ना कर पाया. कुछ देर के बाद उसने कहा, मैं भी कभी जवान थी और मुझे उन चीजों की ख्वाहिश होती जो मैं हासिल ना कर पाती. आप बच्चों बताएंगे जी, वर क्यों इस्तेमाल किया? आई के साथ तो वाज लगता है. वर क्यों इस्तेमाल किया? वहां पे हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं. जो सिचुएशन होती नहीं है लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे होते हैं, वहां पे हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं. जैसे क्या होगा, अगर मैं अमीर होता तो आपकी मदद करता. क्या बनेगा इंग्लिश? वुड का इस्तेमाल करेंगे वहां पे. और क्या होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे? वर इस्तेमाल करेंगे. अगर वो यहाँ होता तो आपसे मिल लेता. If he were here, he would help you. तो ये वर का इस्तेमाल जो है ना, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता. चले, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता. सिंपल सा. If it were so, it would be क्या होगा? Better. ये जो ना वो क्या होता? अच्छा होता. Better. If it were so, it would be better. ये अच्छा होता. और याद रखना, जब हमने कोई सब्जेक्टिव सिचुएशन में हम यूज करते हैं, पास्ट में कोई चीज आपने जो इमेजिन कर रहे हैं वहां के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. जैसे एक दफा बीएससी में एक ऐसे आया हुआ था कि इफ आई वर एनिमल, अगर मैं जानवर होता तो क्या करता. तो अब जरा देखें जी, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इफ यू क्या होगा, वर क्या होता जी, आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? इफ सम इंटरव्यू यू समबडी मे आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दैट, If you were क्या होगा, President या Prime Minister of Pakistan, तो क्या करेंगे जी आप? कैसे हल करेंगे मसाइल को? फिर आपने कौन से टेंस में इस्तेमाल करना है ये सारा का सारा स्ट्रक्चर? Would के साथ. ठीक है. If I were Prime Minister of Pakistan, क्या करता है जी? I would establish क्या होगा, इंटरनेट फैसिलिटी या प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज 5G इन माई कंट्री फॉर द ऑनलाइन क्लासेस. तो मैं तो होता तो सबसे पहले इंटरनेट प्रोवाइड करता जी, क्योंकि शकरगढ़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इंटरनेट का है इस वक्त. जी तो चलते हैं जी आगे. कम टू द पॉइंट. तो इफ आई, मैं भी कभी जवान थी एंड आई वांटेड अ थिंग आई कुडंट गेट, और मुझे भी उन चीजों की ख्वाहिश होती जो मैं हासिल ना कर पाता. दैट वॉज अनदर लॉन्ग पास. खामोशी का एक लंबा वक्फा था. द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला या लड़के ने मुंह खोला. लड़के का मुंह खुला और क्या हुआ? एंड देन ही फ्राउन, फिर उसने माथे पे बल डाल. फ्राउन का मतलब क्या होता है? एंगर्ड, स्काउल्ड, यानी माथे पे बल डाला. फिर उसने माथे पे त्यूरी चढ़ाई या माथे पे बल डाले. नॉट नोइंग ही फ्राउन, ये ना जानते हुए कि उसने त्यूरी चढ़ाई. फिर उसने ये ना जानते हुए उसने त्यूरी चढ़ाई अपने माथे पे बल डाले. ये दोनों का मतलब एक ही, एक दफा त्योरी चढ़ाना लिख लो, जिसको पंजाबी में कहते हैं तिवरी, तिवड़ी पाना. तो क्या होगा, एक दफा त्योरी चढ़ाना लिख लो, एक दफा क्या होगा, माथे पे बल डालना लिख लो. फिर उसने ये ना जानते हुए कि उसने माथे पे बल डाले हैं, उसने त्योरी चढ़ाई, यानी गुस्से से माथे पे जो पंजाबी में क्या कहता, वट पाना. द वुमन सेड, यू थॉट, औरत ने कहा, ये एक्सप्रेशन है, ये वैसे के वैसे लिखेगा, ये साउंड है. यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम्हारे ख्याल में मैं कहने वाली थी. यू थॉट से मुराद ये नहीं है तुमने सोचा, बल्कि तुम्हारे ख्याल में आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहने वाली थी. बट डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सोचा?
यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, यानी वो जब उसने कहा ना कि मैं भी कभी जवान थी और मेरी भी ख्वाहिश होती थी, तो औरत उसे कह रही है कि तुमने शायद सोचा होगा कि मैंने को गलत काम किए हैं, कि जब मैं जवान थी तो मैंने मेहनत की बजाय को गलत रास्ता इख्तियार किया। तो वो कह रही है यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने तुम्हारे ख्याल में मैं कहने वाली थी, बट आई डिड नॉट स्नैच द पीपल्स पॉकेट, लेकिन मैं लोगों के बटवे नहीं छीना करती थी। आप इसका तर्जमा कैसे किया है, डिड नॉट स्नैच, नहीं छीना या नहीं छीना करती थी, नहीं छीना करती थी, well, I wasn't going to say that. मैं ये सब नहीं कहने वाली थी। Pause, silence, वक्फा, खामोशी। I have done things too. मैंने भी कुछ काम किए हैं। टू का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए है, रेपिटेशन के लिए, यानी मैंने भी किया, कोई रेपिटेशन काम हो तो फिर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू का हम तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंटेंसिफाई करने के लिए, द वेदर इज टू क्या होगा हॉट, ये नेगेटिव इंटेंसिफिकेशन के लिए होता है। रिपीटेशन के लिए आई हैव टेकन क्या होगा, आई हैव टेकन क्या होगा माय मील टू, तो क्या होगा उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या होगा इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव एक पेयर में इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, यानी इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो नेगेटिव सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा काम जो हो ना सके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। I have done things too, मैंने भी कुछ काम किए हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कुछ गलत काम, जाहिर है वो यही कहना चाह रही है तुमने किए तो मैंने भी किए। which I wouldn't tell you son, जो बेटे मैं तुम्हें नहीं बताऊ, जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। Everything's got something in common. हर किसी में कोई ना कोई बात मुश्तरक होती है। Everybody's, हर किसी में, everybody's क्या है? Everybody has. आगे everybody's जो है, everybody is भी हो सकता है, everybody has भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो ये has है, और अगर वैसे कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाता तो फिर is। हर किसी में या हर शख्स में कोई ना कोई चीज मुश्तरक होती है, कॉमन से बराबर मुश्तरक। So नहीं, वो पुरानी किताबों में वो नहीं पढ़नी। आई वुड नॉट टेल यू इवन नॉट इवन नॉट गॉड ऑलरेडी, वो अगर वो पहले से नहीं जानता, ये क्योंकि अल्लाह के जो ना वो नॉलेज पे ये क्वेश्चन है, तो इसलिए वो स्किप कर दिया, पिछले एडिशन में थी, बाद में ये खत्म कर दी गई। ये इस तरह से जो ना वो कलबात होते हैं, तो वो रिव्यू करते रहते हैं सिलेबस को, इस तरह से जैसे इस तरह के सॉन्ग भी होते हैं। Sometime. You sit down, आप बैठ जाओ, while I fix up something to it. जबकि मैं खाने के लिए कुछ लगा देती हूँ। While यहाँ पे क्या है? While हम opposite के लिए भी use करते हैं और time के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। You sit down while he was क्या होगा? या while I was sitting, he started his meeting. तो ये while जो ना time को show कर रहा है, और while opposite के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अहमद इज एन इंजीनियर वाइल आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे वाइल जो है ना ओपोजिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप बैठ जाओ जबकि मैं कुछ खाने के लिए लगा देती हूँ। यू माइट रन, तो हमें अपने बालों में कंघी कर लेनी चाहिए, थ्रू योर हेयर, अपने बालों, तुम अपने बालों में कंघी कर लो, सो दैट यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम देखने लायक हो जाओ या देखने के काबिल हो जाओ। अब यू रन होना चाहिए, यू माइट रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जहां पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, तो माइट हम लेस प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और क्या होगा, माइट हम पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यू माइट के साथ भी फ्यूचर आ गया और यू विल लुक प्रेजेंटेबल के साथ भी फ्यूचर आ गया, तो इस तरह से नहीं होगा। तो यू रन दैट कॉम्ब थ्रू योर हेयर सो दैट यू विल लुक प्रेजेंटेबल, या यू मे लुक प्रेजेंटेबल ज्यादा सुटेबल है। सो के साथ तो विल भी लग सकता है, लेकिन अगर सो दैट आ जाए तो फिर यू मे या यू कुड प्रेजेंटेबल लगेगा। जैसे मेहनत करो ताकि आप कामयाब हो जाओ, क्या इंग्लिश होगी? शाबाश, मेहनत करो ताकि आप कामयाब हो जाओ, क्या इंग्लिश होगी? वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड।
तो जब प्रोबेबिलिटी आ जाए वहां पे मे का इस्तेमाल करते हैं, यू मे सक्सीड, ताकि आप कामयाब हो जाओ। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तुम अपने बालों में कंघी कर लो ताकि तुम क्या हो, देखने लायक, या क्या होगा, खूबसूरत नजर आओ। यहाँ प्रेजेंटेबल से मतलब खूबसूरत नजर। इन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक कोने में, बिहाइंड स्क्रीन, पर्दे के पीछे। स्क्रीन से मुराद क्या होता है? पर्दा। क्या होगा? कमरे के एक कोने में पर्दे के पीछे वॉज अ ग्लास गैस प्लेट एंड आइस बॉक्स, एक गैस का चूल्हा और बर्फ का डिब्बा था। कमरे में कोने में पर्दे के पीछे एक गैस का चूल्हा और बर्फ का डिब्बा था। ये गैस के चूल्हे पे आप चूल्हा कह सकते हैं और आइस बॉक्स से मुराद फ्रिज भी हो सकती है। कमरे के दूसरे कोने में पर्दे के पीछे, स्क्रीन से मुराद सेपरेटर या पर्दा कहते हैं। और क्या होगा? एक गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा और बर्फ का डिब्बा था। इस सेंटेंस में गलती बतानी है बच्चों, क्या समझ? वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है। There was a gas plate. क्या होगा जी बच्चों? क्या होगा? There was, अब चीजें कितनी है जिसको इंडिकेट कर रहे हैं? Was, were a glass plate, दो वो है। तो दो के साथ हमने क्या लगाना है? Were इस्तेमाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपने क्या होगा, there या हम ये जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, जब तो there का इस्तेमाल हो तो उसके जिस नाउन को इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से हमने वर्ब लगाना, क्योंकि दो चीजें हैं तो उसके साथ वर्ब लगाएंगे। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। मिसेस जोन्स उठ खड़ी हुई और पर्दे के पीछे चली गई। स्क्रीन से मुराद क्या है? पर्दा, सेपरेटर, डिवाइडर। मिसेस जोन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिडंट वॉच द बॉय, औरत ने लड़के की निगरानी नहीं की। टू सी ये देखने के लिए, औरत ने ये देखने के लिए लड़के की निगरानी नहीं की। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना द वुमन, औरत ने, फिर लास्ट पे चले जाना है टू सी। इस क्लॉज के लास्ट पे क्या है? टू सी, ये देखने के लिए। डिडंट वॉच द बॉय, लड़के की निगरानी नहीं की। औरत ने ये देखने के लिए लड़के की निगरानी नहीं की कि इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि आया कि वो अब भाग जाएगा। अब गोइंग टू रन नाउ क्या भाग रहा है या भागेगा? गोइंग टू रन भागेगा, आया कि वो अब भाग जाएगा। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपने पर्स पर नजर रखी। वॉच का मतलब होता है मुसलसल देखना, निगरानी करना। ना ही उसने अपने बैग की निगरानी की। देखिएगा, औरत ने ये देखने के लिए लड़के पर नजर नहीं रखी कि आया कि वो अब भाग जाएगा। ना ही उसने अपने बैग की निगरानी की या बैग पर नजर रखी, पर्स की, बैग या पर्स। विश ही हैड लेफ्ट हर ऑन द डे बेड, जो कि वो, सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे चले जाए ऑन द डे बेड, जो कि वो सोफे पे पीछे छोड़ आई, जो कि वो सोफे पे पीछे छोड़ आई थी, या आपने पीछे सोफे पे छोड़ आई थी। बट द बॉय टू केयर टू सिट, लेकिन लड़का एहतियातन बैठा रहा। टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, कमरे के बाईद वाले कोने में। फार से मराद दूर वाला या बाईद वाला कोना। लेकिन क्या होगा लड़का, क्या होगा लड़का, कमरे के दूर वाले कोने में बैठने एहतियात बरती। अवे फ्रॉम द पर्स, बैग से दूर। अब ये पूरा मिला के पढ़ना है, लेकिन लड़के ने, अब लास्ट पे चले जाएं, अवे फ्रॉम द पर्स, बैग से दूर, कमरे के बाईद वाले कोने में बैठने की एहतियात बरती। तो केयर का मतलब होता है एहतियात करना। लेकिन लड़के ने बैग से दूर, क्या होगा, कमरे के दूर वाले, दो दो बार दूर लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बईद, दूर को हम क्या कहते हैं, बईद भी कहते हैं। कमरे के बईद वाले कोने में बैठने की एहतियात बरती या एहतियात की। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन लड़के ने क्या होगा, बैग से दूर, कमरे के बईद वाले कोने में बैठने की एहतियात बरती। वेर ही थॉट, जहां पे उसके ख्याल में, थॉट से मुराद जहां पे उसके ख्याल में, She could easily see, वो बासानी देख सकती थी, out of the corner of eyes, आंख चुरा के, if she wanted to, अगर वो चाहती, जहां पे उसके ख्याल में, अब if वाली clause का तर्जमा मैंने आपको बताया पहले करना है, जहां पे उसके ख्याल में अगर वो औरत चाहती, जहां पर उसके ख्याल में अगर वो औरत चाहती तो क्या होगा, वो
आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ आईज आप आंख चुरा के बासानी उसे देख सकती, आंख चुरा के बासानी उसे देख सकती। दोबारा से, लेकिन लड़का क्या होगा, बैग से दूर कमरे के बाइद वाले लड़के ने कमरे बैग से दूर कमरे के बाइद वाले कोने में बैठने की एहतियात बरती, जहां पे उसके ख्याल में इफ शी वांटेड टू, अगर वो औरत चाहती तो क्या होगा, आउट ऑफ कॉर्नर अपने आंख के, क्या होगा, आंख के आंख चुरा कर या आंख के इशारे से बासानी उसे देख सकती थी, आंख चुरा के उसे बासानी देख सकती, या कुन नखियों से भी कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं कुन नखियों से देख सकती जी। He didn't trust the woman not to trust him. वो औरत, वो चाहता था औरत उस पर भरोसा करे। He didn't trust the woman not to trust him. इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? जी, दो नेगेटिव इस्तेमाल किए गए हैं। दो नेगेटिव हम इस्तेमाल नहीं करते क्या होगा सेंटेंस में, ये दो नेगेटिव अगर हूं तो ये दोनों जिस तरह से मैथ में हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से इसमें होता है कि दो नेगेटिव हम जब इस्तेमाल कर रहे हो वो चाहता था कि औरत उस पर क्या होगा भरोसा करे, वो चाहता था कि औरत उस पर क्या होगा भरोसा करे। टेस्ट लाइन की फिर से ट्रांसलेशन कर दें। कौन से, ये he didn't वाला? He didn't trust the woman not to trust him. जी, मैंने बताया ना कि दो नेगेटिव है ना, ट्रस्ट नहीं करना चाहता था औरत उस पर भरोसा ना करे, तो ये असल में क्या चाहता था कि औरत उस पर भरोसा करे। तो सेंटेंस का तर्जमा कैसे करेंगे, वो चाहता था कि औरत उस पर भरोसा करे। क्लियर हो गया? नेगेटिव नेगेटिव जो है, नेगेटिव मैंने बताया ना कि दो नेगेटिव ये राइटर और पोएट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल इंग्लिश के मुताबिक ये गलत है, यानी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश के मुताबिक ये गलत है, लेकिन ये राइटर और जो ना पोएट इस्तेमाल करते हैं, और इसका मीनिंग जो है ना वो मतलब कि पॉजिटिव होता है। जिस तरह आपने मैथ में नहीं पढ़ते माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, ये लैंग्वेज का वही प्रिंसिपल। एंड ही डिडंट वांट टू मिसट्रस्ट हर नाउ, वो अब वो अपना अपना भरोसा खोना नहीं चाहता था। मिसट्रस्ट का मतलब भरोसा खोना या अपना एतबार खोना। अब जरा देखिएगा जी, सवाल देखिएगा, लड़का क्यों नहीं भागा उसके घर से? शाबाश। The boy didn't run. The boy didn't run from her house because जी house promise किसने किया था? Because promised होगा या had promised होगा? The woman she promised. वो ट्रस्ट करना चाहता था नहीं करना चाहता था, और वो मिसट्रस्ट होना चाहता नहीं चाहता था। He didn't want to be mistrusted. और क्यों, क्या वजह थी? He was ashamed at his mistake. और impressed. तो क्या होगा? He was impressed by her kindness. हो गया जी। प्रेजेंटेबल होने के लिए लड़के को क्या किया जी उसने, किसने आस्क किया लड़के को?
The woman asked him. क्या होगा? The woman asked him to lift his end table. जी, the woman asked him to या ask the boy. पहली दफा में noun लगाने हैं. Ask the boy to क्या होगा? Look presentable. क्या होगा? क्या होगा? Ask him to come his hair to look presentable. To look presentable. शाबाश. जी, उसके बाद क्या है? She wanted to show क्या होगा? Motherly क्या होगा? Affection. ठीक है, वो motherly affection जो है वो show करना चाहता था. और क्या करना चाहती थी वो? He wanted to make him a nice person. अब जरा देखिएगा जी, अब ये जो चीज हमने एक्सप्रेस करनी है अनरियल इमेजिनेटिव चीजों के लिए, जो रियल में चीज ना हो लेकिन हम इमेजिन कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे इफ ओनली आई हैडन्ट किल्ड द फ्रॉग, काश के मैं, अगर मैं उसको फ्रॉग को ना मारा होता. इफ द एलिफेंट हैड स्टेप्ड ऑन माय फोन, क्या होगा अगर मैंने इसको वो क्या होगा, एलिफेंट आया होता, व्हाट इफ अगर आया होता. सपोजिंग आई हैव गिवन मैन माय मनी, ठीक है, आदमी को मैंने रकम दी होती. इसी तरह से क्या होगा, ये विश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. आई विश आई हैड मनी, काश के, या मेरी ख्वाहिश है मेरे पास रकम होती. आई विश आई हैड के साथ है. शी विशेस शी वर ब्यूटीफुल, वो कहती है काश के ब्यूटीफुल होती. इसका मतलब वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है? नहीं है. तो जब ये ख्वाहिश को शो करना हो तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. आई विश आई हैड जो है ना इस्तेमाल करते हैं. काश सिचुएशन ऐसी जो हाइपोथेटिकल हो, ये ऊपर देखें पहले में, तो हाइपोथेटिकल हो जो हो नहीं सकती हो, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं. और इसके बाद हमने कोई सिचुएशन जो है क्या होगा, वुड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. आई विश ही वुड स्टॉप, आई विश यू वुड गो, और इस ये सभी हम इस्तेमाल करते हैं इन तमाम केसेस को. जी, उसके बाद जी, लड़के की निगरानी क्यों नहीं की? पहला सेंटेंस आपने सवाल, The woman didn't watch the boy because उसे बिलीव था. He did not run away. बच्चों भाग गया है या भागेगा? भागेगा. तो क्या होगा? Would इस्तेमाल करेंगे. He would not run away. शाबाश. He treated him. उस वक्त किया, उससे पहले किया? She had treated him affectionately. Good. उसके बाद? Undermine कौन कर रहा है? उसने अंडरमाइन किया, यानी समझा. अंडरमाइन का मतलब समझना होता है. शी अंडरमाइन दैट, क्या होगा, तो लड़का प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है. The boy is not, या the boy was not. Was not. Was not a professional criminal. और वो forced not to all that. He was forced to do all this. और क्या होगा? She showed her trust on the boy. ठीक है, उसने trust किया अपना उस लड़के पर. Let's see, जी, come to the book again. Do you need somebody to go to store? जी बेटा.
इसका दोबारा कर दे, नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल. अब देखें उसने समझ लिया ना, तो शी अंडरमाइंड या अंडरस्टूड, अंडरमाइंड मुश्किल लगे तो शी अंडरस्टूड. अब द बॉय क्या होगा, या ही इज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल या वाज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल. He was not. क्योंकि पास्ट में हम इज इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि क्या यूज करते हैं, पास्ट में वाज इस्तेमाल करेंगे. पहले पास्ट सुन के है टेंस को, फिर हम पास्ट लगाना. जी क्लियर हो गया बच्चों? सर ट्रांसलेशन तो इस तरह से कि वो प्रोफेशनल के लिए क्रिमिनल नहीं है, तो फिर इस लिहाज से इज यूज नहीं कर. मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम, हाँ गुड क्वेश्चन, ये कॉमनली जो ना वो जहन में आता है. आप जरा बताइएगा जी, मैं फर्ज करो कहें उर्दू में प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू में पास्ट और प्रेजेंट इकट्ठे लग सकते हैं. मतलब मैं कहता हूँ कि मैं जानता था कि वो शरीफ आदमी है, सही है मैंने सेंटेंस बोला गलत बोला? सही सही है. लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई न्यू दैट ही वाज अ नोबल पर्सन. क्यों? क्योंकि पास्ट पहले हो तो आगे भी पास्ट इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट नहीं लगा सकते. ये वही मसला है कि जब आप उर्दू में सोच रहे होते हैं तो फिर आप उस तरह से वो गलती करते हैं. क्लियर हो गया? जैसे आप वुड है तो होना तो विल चाहिए, ही विल रन अवे, लेकिन क्या होगा, ही वुड नॉट रन अवे होगा, क्योंकि ये पास्ट में हम चेंज कर देते हैं उसके. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? Yes, yes, sir. If you have any question, time is less than 1 minute. If you have any question.